आदरणीय किसान भाइयों, कल हमारे मुख्यमंत्री ने भोपाल में किसानों की आय दुगनी होने को लेकर तर्क दिए हैं। जब मैंने विधानसभा में ये प्रश्न पूछा तो इनकार कर दिया। ये हर्ष विजय गहलोत जी ने ये प्रश्न पूछा तो इनकार कर दिया। जब किसानों का 80% कर्जदार हो गए, ये सरकारी आंकड़े हैं, और मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं तर्क देकर कि उत्पादन बढ़ा इसलिए किसान की आय बढ़ गई है। साथियों, अभी प्याज फेंकने की स्थिति में है या नहीं है? किसान भाइयों, पिछले साल लहसुन फेंकना पड़ा था कि नहीं? किसान भाइयों, उससे पहले आलू की फसल की पैदावार पर प्रश्न चिन्ह लगा था कि नहीं? फेंकने पड़े थे कि नहीं? हर साल किसी न किसी रूप में किसानों को लाश देके जाती है, लंबा लाश देके जाती है, घाटा देके जाती है। जब पक्की फसल है, गेहूं है, धान है और दूसरे ज्वार है, मक्का है, ये फसल पर 3,000 रुपया क्विंटल की जब मांग हमने विधानसभा में रेस की तो कांग्रेस के सारे विधायकों ने समर्थन किया, पर बीजेपी का एक विधायक खड़ा नहीं हुआ। सरकार और उसके मंत्रियों ने इसका मजाक उड़ाया। और मैंने जब ये कहा कि मैं गांव-गांव जाकर इसकी बात करूंगा, अब गांव-गांव में इसकी चर्चा हो रही है, सबने अप्रिसिएट किया। बीजेपी के किसान भाइयों ने भी जब ये बात हुई कि 3,000 रुपया क्विंटल अनाज का भाव होना चाहिए तो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने अपने विधायकों से, नेताओं से पार्टी में बात करने लगे। तो शिवराज जी ने एकदम से पलटा मारा और प्रधानमंत्री के सामने कह दिया कि हाँ, किसानों की आय दुगनी हो गई है। मतलब कैसा सफेद झूठ है। रात में सूर्य निकालने के अनुसार हो गया और चांद को सूरज बताने के जैसा हो गया। भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपकी आय बढ़ी है तो ये वीडियो पर क्रिटिसाइज करो, और अगर नहीं बढ़ी है तो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ो और इस पर मेरा समर्थन करो। ये मेरा समर्थन नहीं है, किसान की आत्मा और उसकी भावना का समर्थन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, शिवराज जी, आप उत्पादन बढ़ने को लागत, उत्पादन बढ़ने को इनकम बढ़ना नहीं कह सकते हैं। इनकम तो तब बढ़ेगी जब फसलों के दाम मिलेंगे। पर्टिकुलर जमीन में उत्पादन वही है पर लागत बढ़ी हुई है। पर्टिकुलर जमीन में सब तरह से 10 गुना की लागत बढ़ी है पर पर्टिकुलर जमीन का उत्पादन नहीं बढ़ा है। नई जमीन पर खेती होने लगी हो उसका उत्पादन बढ़ा है। तो ये कृपया करके आप इस पर ध्यान दें और झूठ और गुमराह मत करें। रिवांचल से आपने बात की है, अब मैं रिवांचल के ही किसानों के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि शिवराज जी यहां डबल आय का बोल के गए हो गई है क्या, फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक फिर पहुंचाऊंगा। किसान भाइयों, हमारा मुख्यमंत्री कैसे भी झूठ बोल के गुमराह करके फिर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, किसान भाइयों से, कि उनको सद्बुद्धि दो, आप उनको समझाओ, अपने विधायकों को समझाओ। ये विचार दलगत राजनीति का नहीं है, ये विचार किसान की आत्मा का है, और मैं किसान का बेटा हूं। अगर ये बात मैं नहीं करूं तो कौन करे? किसान भाइयों, जो किसान के बेटे हैं, नेता है, विधायक हैं, वो किसानों से वोट लेते हैं। आप लोग ये आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? कृपया करके शिवराज जी को सद्बुद्धि दे और उन पर दबाव बनाए और उनको भ्रम और झूठ से बाहर निकालें और हर हालत में किसानों के अनाज की फसल 3,000 रुपये के आंदोलन को बल दे और शिवराज जी को मजबूर करे ये निर्णय लेने के लिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की आपने बात कही, लेकिन किसानों की आय की जगह हाय दोगुनी हो गई होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रूर देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है?